आज का वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर के ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, जो है बाद में पहले कहता हूँ। तो आज का वीडियो है शुरू करने से पहले, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। मेरा स्पीक अच्छे कर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे स्पीकर चेकर परिवार के साथ जुड़ने के लिए। तो जो लोग अभी भी स्पीकर चेकर परिवार के साथ नहीं जुड़े हो, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके स्पीकर चेकर परिवार के साथ जुड़ जाओ और नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है इस चीज़ के ऊपर, तवाही वाला चीज़ है, ठीक है। तवाही, आज का वीडियो तवाही है, देख लो मज़ा आएगा। तो ये वाला ट्रांसफार्मर देख सकते हो आप, ये मेरा बनाया हुआ है ट्रांसफार्मर, जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। क्या 40-0-40, 50-0-50, 45-0-45, जो कि इस आउटपुट से भी, इस आउटपुट से ही निकलेगा। और ये है प्राइमरी, प्राइमरी ये देखिए ये कितना लूप है, ठीक है। इसके ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मेरा सफल हुआ है। तो थोड़ा सा चुक गया हूँ, जो कि 10% है, वो भी मैं ठीक कर लूँगा। और ये देखिए ये वाला ट्रांसफार्मर जो कि ऑर्डर में बना हुआ है, चला जाएगा। और एक आज तैयार हो रहा है जाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर अभी तो तैयार हो रहा है जाने के लिए, ये वाला भी जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट वाला नहीं है। फिर से बांधूंगा ये वाला कोर को, निकाल के उसमें फिटिंग करके दे दूंगा। तो ये वाला कोर नया ही है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो प्राइमर होता है वो लगा हुआ है। तो आप इसमें कोर कॉपर देखिए कितना अंदर तक भरा हुआ है कॉपर, ठीक है। कॉपर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इसमें भी देखिए कॉपर पूरा कॉपर भरा हुआ है, एल्युमिनियम नहीं है, ठीक है, एल्युमिनियम नहीं है इसमें। आप एल्युमिनियम नहीं है ऐसे दिखा, आप देख लीजिए ये जो रंग होता है ना शोल्डर, ये शोल्डर कॉपर के सिवा किसी पे चिपकता नहीं है। ये वाला है कॉपर का वायर। तो मेरे यहाँ पर जो भी ट्रांसफार्मर बनता है वो कॉपर के ऊपर ही बनता है। तो इसमें कोई एल्युमिनियम का वायर नहीं यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो कुछ दिन के बाद ही ड्रॉप करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। इसी वजह से एम्पलीफायर अच्छा नहीं बजता है, हमिंग प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर के ऊपर। लेकिन एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर देखे आपको जो एम्पलीफायर मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम दाम में मिलता है। और पार्ट्स जो होता है उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, जिससे कि आप समझ सकते हो एम्पलीफायर क्यों कॉस्टली होता है। मेरा एम्पलीफायर, मेरा नहीं, जो लोग अच्छा बनाते हैं उनका भी तो कॉस्टली होता ही है। और मेरा भी, मेरा जो एम्पलीफायर है वो तो कॉस्टली है, जो लोग मुझसे बात करें वो लोग जानते हो मेरा एम्पलीफायर थोड़ा कॉस्टली है। यार कॉस्टली क्यों है ये बात समझाने के लिए ही मैंने एक केवी का स्टेबिलाइजर मेरे सामने रखा हुआ है। एक केवी का स्टेबिलाइजर कितने में मिलता है आप सभी का कमेंट करके बताइए आप सबके एरिया में। मेरे यहाँ पर ये मिलता है 3400 रुपये का, ठीक है, जो कि है पाइकरी रेट। मैं दुकानदार हूँ, मुझे पाइकरी में देता है 3400 में ये वाला स्टेबिलाइजर। ये मेरा पास पुराना पड़ा हुआ था, तब लिया था 3000 रुपये, तो अब ये 3400 का हो गया। तो इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। तो इसका ट्रांसफार्मर का साइज़ देखिए, यार ये वाला ट्रांसफार्मर का साइज़ देखिए, ठीक है, ये वाला ट्रांसफार्मर का साइज़ देखिए, ये वाला ट्रांसफार्मर का साइज़ देखिए। आप इसको इसके ऊपर रखता हूँ, देख लिया स्टैक कितना है, पूरा का पूरा स्टैक है। थोड़ा ट्रांसफार्मर का जो नंबर है, कोर का नंबर है, वो छोटा है, इस ए वाला बड़ा वाला नंबर का है। ये 4 नंबर कोर में है, ये 3 नंबर कोर में। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ए वाला कोर और ए वाला कोर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, जो कि 100-200 वाट का डिफरेंस होता है। तो ए वाला ट्रांसफार्मर में किसमें यूज़ करता हूँ, 400 वाट मोनो, 400 वाट स्टीरियो में, जो कि 200-200 या 400 वाट। और ए वाला ट्रांसफार्मर में यूज़ करता हूँ जो कि होता है 400+400 में। और एक बात, ए वाला ट्रांसफार्मर का फिटिंग देखिए बहुत अच्छा नहीं है, और ए वाला का फिटिंग देखिए मेरा वाला
कितना अच्छा साइन कर रहा है ना। तो किसी को मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, कोर जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो 3, 4, 5 बहुत तरीके का मिलता है। तो ये वाला कोर है, इससे भी ऊपर का एक कोर है जो मैं उसमें मैं बोलता हूँ 600 वाट का लोड लेगा, ले लेगा। ये 400 वाट का लोड लेगा, वो वाला कोर 600 वाट का लोड लेगा। जो लोग समझते हो, टेक्नीशियन हो, जिनको समझ है ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर, वो लोग जानते ही हो कोर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है, कितने क्वालिटी का ट्रांसफार्मर का कोर मिलता है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक बात आपको समझा ही दिया कि ट्रांसफार्मर है जिसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ट्रांसफार्मर अच्छा देने का कोशिश करता हूँ, जिससे कि जो साउंड का क्वालिटी हो ना, जो पंच हो, बेस हो, वो भी तगड़ा हो। और एक बात, अगर आप कंपोनेंट लो क्वालिटी का लगा देते हो तो आपका एम्पलीफायर नहीं बजेगा। ट्रांसफार्मर आप जितना भी जानदार लगा दीजिए, वो एम्पलीफायर नहीं बजेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आपका एम्पलीफायर का हर एक चीज़ जो तगड़ा होना चाहिए। और एक बात, अगर आपका एम्पलीफायर का जो ड्राइवर बोर्ड है, जो अदर्स ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर है, अदर्स जो कैपेसिटर है, अगर वो अच्छे कंपनी का नहीं होगा, आप अगर ये वाला अच्छा क्वालिटी का ट्रांसफार्मर मेरे से लो या जिस किसी से भी लो, अगर अच्छे क्वालिटी का ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया ना उस एम्पलीफायर में, तो तबाही मच जाएगी भाई। उसका कैपेसिटर उड़ जाएगा, पावर ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा, अगर ओरिजिनल नहीं हुआ तो डायोड हीट होके फट सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो क्या बोल रहा कि मेरा एम्पलीफायर का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी वजह से मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। अगर आप कम में लेना चाहते हो तो उसके जैसा ही आपको मिलेगा। सो जो लोग मुझसे एम्पलीफायर बनवाना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से नंबर उठाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे व्हाट्सएप नंबर लीजिए, मुझसे बात कीजिए व्हाट्सएप पर, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या है और क्या नहीं है। तो यही था वीडियो, आप देख लीजिए ये 3400 का मिलता है, इसमें क्या है, थोड़ा सा एक छोटा सा ऑटो कट बोर्ड है, एक रिले है, एक रोटरी स्विच है, और एक मीटर है, और एक कैबिनेट है। इसका दाम 3400 रुपये पड़ता है, और ये वाला ट्रांसफार्मर जो कि क्या किस में पड़ता है मैं नहीं बोलूँगा, ये आपको सुनने के लिए व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। तो यही बात है, ये वाला ट्रांसफार्मर, एक कोर देखिए, सब कुछ तैयार है अब सिर्फ पढ़ने के लिए। और एक बात है, कॉपर जो होता है उसमें भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वालिटी का होता है, किसी कंपनी का दाम ज़्यादा होता है क्योंकि वो कॉपर का क्वालिटी अच्छा होता है, यही बात है। तो ट्रांसफार्मर का दाम क्यों ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, ये बात आज मैंने क्लियर कर दिया आप सभी को। इसी वजह से मैंने स्टेबलाइजर को लाया हूँ वीडियो में, जो कि दिखाने का कोई मकसद नहीं था मेरे को, लेकिन इसको दिखाना ज़रूरी था। और ये वाला तो आप देख ही सकते हो, उस ट्रांसफार्मर का क्वालिटी क्या है, ज़बरदस्त क्वालिटी का ट्रांसफार्मर बना है भाई, मेरी नज़र ना लग जाए ट्रांसफार्मर को। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भाई लोग मेरे से एम्पलीफायर बनवाना चाहते हो, तो